स्ट्रेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अकाउंट कितने प्रकार का होता है और किस अकाउंट का क्या वर्क होता है, यही आज की क्लास में कुछ सीखना है और समझना है। कब और किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, अब कब और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है। तो देखिए, मुख्यतः तीन प्रकार के अकाउंट पाए जाते हैं आपके अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर में। एक आपका है पर्सनल अकाउंट, एक आपका है रियल अकाउंट और एक आपका है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है व्यक्तिगत खाता। क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत खाता। और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता और नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। तो चलिए कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। करें कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है और यह अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन, किसी इंडिविजुअल फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। मतलब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है और यह जो अकाउंट होता है ये नेचुरल पर्सन, किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। मतलब इसमें जो है किसी व्यक्ति के नाम से भी अकाउंट बनाए जा सकते हैं, किसी फर्म के नाम से भी अकाउंट बनाए जा सकते हैं और किसी कंपनी के नाम से भी अकाउंट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो उसको रिसीविंग एनीथिंग, मतलब रिसीविंग एनीथिंग टू रिसीवर, वो रिसीवर कहलाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है, रिसीव एनीथिंग, अगर कुछ भी प्राप्त कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? रिसीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे। और कह रहा है कि बिजनेस में उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट का हो जाएगा। जैसे हमारे बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ रिसीव कर रहा है, कुछ पा रहा है, तो उसका निचार हमारा रिसीवर का होगा। और रिसीवर को हम बोलते हैं क्या? डेबिट बोलते हैं। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और यदि कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को हम गिवर बोलेंगे और बिजनेस का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? अगर हमारे बिजनेस में कुछ प्राप्त करता है, अगर कुछ भी पाता है हमारे बिजनेस से, तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे। और रिसीवर है तो रिसीवर का नेचर हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। और अगर गिवर है तो गिवर का मतलब ये होता है कि अगर वो कुछ दे रहा तो उसको गिवर बोलेंगे। और गिवर का नेचर होता क्या है? क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत? तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो पाने वाला होता है, पाने वाले को हम डेबिट बोलते हैं और देने वाले को क्रेडिट बोलते हैं। सही है कि गलत है? पाने वाले को डेबिट बोलेंगे और देने वाले को क्रेडिट बोलेंगे। किस रूल के हिसाब से? पर्सनल रूल के हिसाब से। पर्सनल रूल के हिसाब से देने वाले को क्रेडिट बोलेंगे और पाने वाले को डेबिट बोलेंगे। अब चलिए, सेकंड हमारा आता है रियल अकाउंट। क्या आता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट होता क्या है? तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं। और एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बताइए कोई एसेट्स क्या होता है? वे सभी अस्थाई या अस्थाई वस्तुएं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलाने में मदद करती हैं, वो सभी एसेट्स कहलाती हैं। मतलब जिस ट्रांजेक्शन में आपको एसेट्स मिलेगा वो आप समझिएगा कि किस अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, चाहे वो आपका करेंट हो चाहे फिक्स हो, मतलब उससे नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर एसेट्स आता है तो उसकी एंट्री करने के लिए हम रियल अकाउंट का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर व्यापार से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आ रहा है तो आने वाले को डेबिट किया जाएगा, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। ये रूल है किसका? रियल अकाउंट का। किसका अकाउंट का? रियल अकाउंट का। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमारे व्यापार में कोई एसेट्स आता है तो आने वाले चीज को हम करते हैं डेबिट, अगर हमारे व्यापार से कोई एसेट्स जाता है तो जाने वाले को करते हैं क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला क्या दिया है, नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट का हिंदी होता है नाम मात्र का खाता, और कह रहे हैं कि ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस इनकम गेन लॉस से संबंधित होता है, और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने यानी कि रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। मतलब नॉमिनल अकाउंट में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो उसका नेचर हमारा डेबिट का हो जाता है, क्या हो जाता है, डेबिट का हो जाता है, और अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर हम एमएस वर्ड पे बना करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए एमएस वर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं बनाने के लिए। देखिए इसमें लिखना है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, क्या लिखना है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हो जाएगा, इसके बाद से नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब चलिए कब और किसको डेबिट और कब और किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो चलिए यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ से मैंने हिंदी लैंग्वेज ले लिया, तो चलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में देने वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देने वाला तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले तो पहले पाने वाला लिख लीजिएगा, तब नीचे देने वाला लिखिएगा, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा कि पहले यहाँ पे लिख लीजिए पाने वाला, पहले डेबिट रहेगा उसके बाद से क्रेडिट हो जाएगा, पाने वाला है तो क्या हो जाएगा इसका नेचर, डेबिट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे एक स्टेप पुनः इंटर करिएगा, और अगर हमारे बिजनेस में देने वाला है, क्या है, देने वाला है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसी के आधार पे आपको ट्रांजेक्शन करना है, ये हो जाएगा आपको क्रेडिट। अब इसमें आप एक शब्दों में लिख लीजिएगा कि अगर देने पाने वाला है तो पाने वाले को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिसीवर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिसीवर, रिसीवर, ठीक है, और अगर ये देने वाला तो इसका नेचर क्या हो जाता है, इसका नेचर हमारा गिवर का हो जाता है, तो इसी में ब्रेकेट में हम लिख लेते हैं गिवर, और गिवर का नेचर क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए रियल अकाउंट में मैंने क्या बताया है कि रियल अकाउंट में वे सभी अकाउंट आते हैं जो एसेट्स से संबंधित होते हैं, और अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स आता है तो आने वाले को क्या किया जाएगा, आने वाले को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जाने वाले को क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा आ रहा है, यहाँ पे लिखना है आ रहा है, तो आ रहा है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे क्या, इसमें हम लिख लेंगे कम्स, क्या लिखेंगे, कम्स, मतलब क्या आ रहा है, तो कम्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बोल देंगे, क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे, और यहाँ पे पुनः एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जा रहा, यहाँ पे लिख देंगे क्या, जा रहा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जा रहा, जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे गोज, इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अगर हमारे बिजनेस से एसेट्स आएगा तो आने वाले को करते हैं डेबिट, अगर हमारे बिजनेस से एसेट्स जाएगा तो जाने वाले चीज को हम करेंगे क्रेडिट। अब चलिए नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया गया है, तो नॉमिनल अकाउंट में बताया गया है किसको डेबिट किया जाता है, लाभ और आय को, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आय, आय कॉमा कॉमा, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, आय और लाभ को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है ना, पहले डेबिट लिख लीजिएगा, डेबिट किसको किया जाएगा, खर्च, खर्च
को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, खर्च और हानि। क्या लिखेंगे? हानि। इसको क्या किया जाता है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस हो जाएगा कॉमा लॉस हो जाएगा। इसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, सब मैं कल पूछूंगा। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ फिर यहाँ पे हो जाएगा, एंटर करेंगे। हाँ अब चलिए यहाँ पे क्या लिखना है? लाभ। या यहाँ पे आय लिख लीजिए पहले, आय, हाँ आय कॉमा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा ना, आय कॉमा लाभ। इसको क्या किया जाता है? ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिएगा। इसमें इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड इनकम, या इनकम पहले लिख लीजिएगा, इनकम कॉमा प्रॉफिट। वो क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे आकर के क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे, इसमें लिख देंगे क्रेडिट। इसको बना लीजिए कॉपी में, इसको कॉपी। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, मेन तीन ही अकाउंट आपका होता है, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक आपका नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कब किसको डेबिट किया जाएगा? तो अगर पाने वाला है तो डेबिट, अगर देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट में अगर बिजनेस में एसेट्स आ रहा है तो उसको हम कम्स बोलेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और खर्च और हानि को, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में, और आय और लाभ को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। बस यही मेन पॉइंट आपको समझना है, चूंकि इसी के आधार पे हमको सिंपल जनरल एंट्री, बहुत सारा जनरल एंट्री मैं आपको बताऊंगा, इसी के आधार पे हमको करना है ट्रांजेक्शन। पर ये तभी, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट क्लियर नहीं हो पाएगा, तब तक आप डेबिट क्रेडिट में समझ नहीं पाएंगे। इसको पूरा पढ़ के आइएगा घर से, आपने पूरा मैं पूछूंगा, ठीक है ना? तीनों अकाउंट का रूल क्या है, सब, कब और किसको डेबिट किया जाएगा, कब और किसको क्रेडिट किया जाएगा, ये सब। बोला ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, इसको डेबिट ऐसे लिखा जाता है, डेबिट। इसको किया जाता है क्रेडिट। इसमें डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। और कभी भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, आप ये समझिएगा कि डेबिट वाला ऊपर रहता है और क्रेडिट वाला नीचे रहता है। अभी इसके आधार पे हम ट्रांजेक्शन आपको बता रहे हैं, पहले ये लिख लीजिए। लिखा गया? ज्यादा रहता है ताकि आपको कल आसानी रहे बताने में। देखिए, सबसे पहला अकाउंट आता है क्या? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है व्यक्तिगत खाता। क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस होम डीलिंग से संबंधित होता है, और यह अकाउंट नेचुरल किसी पर्सन का भी हो सकता है, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का भी हो सकता है। और यदि व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का नेचर हमारा डेबिट हो गया। क्या होगा? डेबिट होगा। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर हमारा बिजनेस में कोई कुछ दे रहा है तो देने वाले को गिवर बोला जाएगा, और गिवर का नेचर हमारा क्रेडिट का होगा। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब दूसरा आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो एसेट्स से संबंधित होते हैं, और अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और तीसरा मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट के बारे में, कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। इसमें मात्र चार प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। इसमें इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, और एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है। क्लियर हुआ? और इसी का मैंने यहाँ पे चार्ट बना करके बताया है।
अगर पर्सनल अकाउंट है तो पाने वाला है तो रिसीवर बोलेंगे, रिसीवर का नेचर डेबिट हो जाएगा। अगर पर्सनल अकाउंट में देने वाला है तो उसका नेचर गिवर का है और गिवर का नेचर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट का हो गया। रियल अकाउंट में अगर हमारे बिजनेस में कुछ एसेट्स आ रहा है तो उसको कम्स बोलेंगे तो डेबिट बोलेंगे, अगर हमारे रियल अकाउंट के अंदर कोई बिजनेस अगर हमारे एसेट्स जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में मैंने बोला कि मात्र चार प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक्सपेंस लॉस इनकम एंड प्रॉफिट, तो जिसमें खर्च और हानि यानी कि एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है और आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। इतना क्लियर याद होगा तो कल पढ़ करके आइएगा, मैं पूरा पूछूंगा, इसी के आधार पे कल हम ट्रांजेक्शन आपको देंगे करने के लिए, ठीक है ना। पहले आप इसको पढ़ के आइएगा, तब इसी के आधार पे कल हम आपको ट्रांजेक्शन देंगे, उसी ट्रांजेक्शन की एंट्री कराएंगे।